तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप जो है अगर अपना जो है पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे, न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे, तो आप जो है NSDL को ऑफिशियल साइट से जो है एक न्यू पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगता है और यहाँ पर गाइस कितना चार्जेस लगता है आपको एक पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, कितना चार्ज आपको करता है, कितना चार्ज आपको लगेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको बता दें। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत नॉलेजेबल होने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करेगा। और गाइस, इससे पहले चैनल पर आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर देगा। दोस्तों गाइस, आता है मेरे वीडियो के टॉपिक ऊपर, जानते हैं कि आप जो एक नया पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होता है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें। तो सो गाइस, इसके लिए चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और गाइस वहाँ पर मैं आपको हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। और गाइस, आप जो है सेम प्रोसेस आप जो अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, डिफरेंट कुछ नहीं होता है, केवल स्क्रीन साइज़ का फ़र्क होता है, ठीक है। तो सो गाइस, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जो कैसे जो एक न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सो गाइस, अभी जो है हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एक नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पे कौन कौन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो सो गाइस, एक नया पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक जरूरत होती है आधार कार्ड, और ऑनलाइन बनाते हैं तो उसके लिए आपको जो है आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद जो है गाइस, आप जो इजीली जो है NSDL के ऑफिशियल साइट से जो है न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लीकेशन डाल सकते हैं और आपका पैन कार्ड जो है यहाँ पर सक्सेसफुली बन भी जाएगा। तो सो गाइस, चलिए शुरू करता हूँ जानने से कि आप जो एक न्यू पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको जो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि हम यहाँ पे जो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आप जो अपने लैपटॉप में कर रहे हैं तो आप जो अपने लैपटॉप या PC में करें तो PC में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें, नहीं तो अगर आप जो अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आप जो है मोबाइल से भी कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली, बस स्क्रीन थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, बाकी सब प्रोसेस सेम ही है। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है NSDL। जैसे ही गाइस NSDL सर्च करिएगा तो गाइस यहाँ पे जो सबसे पहला साइट खुल के आएगा ये वाला, इसको गाइस सिंपली आपको जो है इस वेबसाइट को जो है गाइस यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, मतलब कि जैसे ही आप जो है इस वाले वेबसाइट को ओपन करिएगा तो गाइस यहाँ पे जो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा कि अप्लाई ऑनलाइन में ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, इस पर ऑलरेडी क्लिक रहेगा तो सिंपली आपको चाहे उसके नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिंपली यहाँ पे पूछेगा अप्लीकेशन टाइप, ये वाला अप्लीकेशन टाइप पूछेगा तो सिंपली आपको जो अप्लीकेशन टाइप पर सेलेक्ट करके आपको जो है न्यू पैन इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर लेना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको पूछेगा कैटेगरीज, तो कैटेगरीज में आपको सिंपली इस कैटेगरी वाले नीचे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा तो सिंपली यहाँ पे आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा अप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, तो सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जब पूछेगा सबसे पहले आपको टाइटल, तो टाइटल आप जो अपने अनुसार से यहाँ पर सेलेक्ट करें, जैसे कि हम यहाँ पर श्री सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आप किसी फीमेल का सेलेक्ट बना रहे हैं तो आप यहाँ पर श्रीमती सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कुमारी को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या इस यहाँ पर पूछेगा लास्ट नेम एंड सर नेम, तो सिंपली आपको जो है लास्ट नेम डाल देना है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर पूछेगा फर्स्ट नेम डाल देना है आपको, अगर मिडिल नेम होगा तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप मिडिल नेम को यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे आपको जो यहाँ पे पूछेगा आपका डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद जो है आपको जो आपका ईमेल आईडी पूछेगा, देन उसके बाद जो है आपका एक मोबाइल नंबर पूछेगा, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर अपना डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद जो आपको आईडी प्रोसेस बताते हैं। तो देन गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको जो भी यहाँ पर डिटेल फिल करना था यहाँ पर हमने सक्सेसफुली यहाँ पर सभी डिटेल फिल कर लिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको नीचे एक कैप्चा दिखाई देगा, ये वाला कैप्चा आपको दिखाई देगा, तो सिंपली आपको जो इस कैप्चा को जो यहाँ पे सिंपली नीचे सेम टू सेम फिलअप कर देना है, लिख देना है, जैसे कि हम यहाँ पे जो अपना कैप्चा डाल लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे LWR3J कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे एक आपको एक टिक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, सिंपली टिक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेगा तो गाइस यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म, में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला आपको एक ऑप्शन आया होगा इस टाइप का कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपली आपको जो है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करेगा तो आप जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा इसके नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे, तो गाइस आप जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा इस पेज पर। अभी गाइस यहाँ पे जो है आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा सबमिट डिजिटली थॉट EKYC साइनिंग, ठीक है, इस पर आपको क्लिक होगा, इस पर ऑलरेडी आपको क्लिक रहने देना है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछेगा वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, अगर आपको जो फिजिकल पैन कार्ड चाहिए होगा तो सिंपली आप जो है
यहाँ पे जो यस पर क्लिक करिएगा, अगर नहीं चाहिए होगा तो यहाँ पे नो पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। सिंपली हमको चाहिए तो यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे पूछेगा एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, यहाँ पे जो आपको जो अपने आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट डालना होगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे अपने आधार का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक पूछेगा कि आई हैव एग्री डेट माई फोटोग्राफ, यहाँ पे देते हैं आई हैव एग्री डेट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार कार्ड सेल्फी प्रिंट ऑन पैन कार्ड। यहाँ पे मतलब इसका हुआ कि क्या आपके आधार कार्ड पर जो फोटो है आप उसी को जो अपने पैन कार्ड पर प्रिंट करना चाहते हैं, और करना चाहते होंगे तो सिंपली यहाँ पे जो है क्लिक करके यस सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते होंगे तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे यस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ फिलअप रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर होगा जेंडर हम आप जो अपने अनुसार से सिलेक्ट कर लें। अगर आप किसी का मेल का बनाए तो मेल, नहीं तो फीमेल का बनाए तो फीमेल, यहाँ पे अपने अनुसार से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, नीचे आपको सिंपली आपको जो अपने फादर का नेम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे पूछेगा फादर लास्ट नेम, फादर फर्स्ट नेम, और फादर का यहाँ पे मिडिल नेम पूछेगा। तो आपको यहाँ अपने फादर का नाम यहाँ पर डाल देना है सक्सेसफुल। जैसे हम यहाँ पर जो अपने फादर का नाम यहाँ पर सबसे पहले डाल लेते हैं, उसके बाद आपको अपने आगे के, उसके बाद जो आपको आगे के प्रोसेस बताते हैं। तो देख आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर अपना फादर नेम जो भी डालना था यहाँ पर डाल लिया है। उसके बाद नीचे आपको जो है मदर नेम पूछेगा। मदर नेम का इस यहाँ पे जो ऑप्शनल है आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा पेरेंट नेम टू बी प्रिंट ऑन द पैन कार्ड, मतलब आप जो अपने पैन कार्ड पर जो है किसका नाम प्रिंट यहाँ पे करना चाहते होंगे। फादर का करना चाहते हैं तो फादर पर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो मदर का करना चाहते हैं तो मदर पर क्लिक करिएगा। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको एक आ जाएगा इस पेज पर, यहाँ पे पूछेगा सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जो है आप क्या करते हैं, आपका इनकम किसके जरिए आता है। तो यहाँ पे जो आप जो अपने सर से यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, और जैसे कि हम यहाँ पर सैलरी पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे जो आपको ऊपर कुछ नहीं करना है, नीचे आपको जो है यहाँ पे आपको जो अपना एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करना है। जैसे कि हम यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो अपने कंट्री नेम यहाँ पे सेलेक्ट कराना है, आपका कंट्री कौन सा है। जैसे हम यहाँ पे अपना कंट्री नेम यहाँ पे डाल लेते हैं, और उसके बाद जो है गाइस आप जो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो है गाइस आप जो अपना पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लें, जैसे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जो अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जो है गाइस आपको जो यहाँ पे जो अपने पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो। देखेंगे जैसे ही आप जो है अपना पोस्ट ऑफिस का नाम डाल लें, उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे जो अपने विलेज का नाम डाल दे रहे हैं, या आप किसी अर्बन एरिया में रहते होंगे तो आप अपने बिल्डिंग नेम डाल सकते हैं। आप अपने अनुसार से अपना जो भी एड्रेस हो आपका वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ से पूछेगा टेलीफोन नंबर एंड ईमेल डिटेल। तो सिंपली आपको जो है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल डिटेल के नीचे आपको पूछेगा कंट्री कोड। सिंपली आप जो यहाँ पे अपने इंडिया का कंट्री कोड है 91, तो 91 यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे लिखिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 91। उसके बाद जो है गाइस आपको जो है नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पेज पर। अब यहाँ पे गाइस पूछेगा कि फॉर हेल्प ऑन आरओ कोड सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे गाइस सिंपली आपको इंडिया पर इंडियन सिटीजन पर क्लिक करके यहाँ पे जो सबसे पहले आपको जो अपना स्टेट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका स्टेट का नाम होगा, जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो कहीं यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अपना बिलोंग कर लेते हैं, कभी कभी जो है आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम नहीं दिया होता है, तो आप जो अपने अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट का, उसके बाद सिंपली आपको इस बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है ये ऊपर वाला जो एरिया फिलअप हो जाएगा अपने आप। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो है गाइस यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट सबमिट एज प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट बर्थ। यहाँ पे जो है यहाँ पे आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करें, यहाँ पे सिंपली ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा। नीचे आपको डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके नीचे यहाँ पे आपको आईबी और देश यादव जो भी आपका पैन कार्ड जिसका भी बना रहे हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा तो सिंपली यहाँ पे हिम सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिम सेल्फ। उसके बाद प्लेस में आपको जो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है, जैसे कि हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है प्लेस में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालने के बाद सिंपली आपको सबमिट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है,
और जैसे आप सबमिट आइकन पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे जो हमारा पता था कुछ छूटा हुआ है सिंपली हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे छूट गया हमसे। नेम ऑफ ऑफिस यहाँ पे जो है कुछ भी आप नेम ऑफ ऑफिस में डाल सकते हैं, बट सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो सिंपली आपको सबमिट आइकन पर क्लिक करना है, जैसे ही सबमिट आइकन पर क्लिक करेगा तो गाइस यहाँ से आपको डायरेक्ट हो जाएगा इस पेज पर, यहाँ पे बोलेगा पर्सनल डिटेल के डिटेल्स यहाँ पे बोलेगा। तो सिंपली पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे पूछेगा कि एंटर योर आधार का जो आपने फर्स्ट का 8 डिजिट डालिए, तो यहाँ पे जो अपने आधार का फर्स्ट का 8 डिजिट आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अपने आधार का फर्स्ट का 8 डिजिट यहाँ पे डाल देता हूँ, तो देखिए जैसे ही आप जो अपने आधार का फर्स्ट 8 डिजिट डाल लें उसके बाद आप यहाँ को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे बोलेगा यहाँ पे फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे सिंपली आपको जो भी आप डिटेल फिल किए हैं ये सिंपली आपको एक बार मैच कर लेना है कि सही सब कुछ आपने सही सही फिल किया है कि नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेगा तो गाइस यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आप जो है सिंपली ऑनलाइन पेमेंट थॉट पेटीएम पर क्लिक कर देना होगा, ये वाला जो आपको ऑप्शन आ जाएगा सिंपली आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो गाइस आपको जो है 106 रुपये यहाँ पे कटवाना पड़ेगा, उसके लिए सिंपली आपको इस बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेगा तो गाइस यहाँ पे जो पे कन्फर्म वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही पे कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करेगा तो गाइस आप जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा इसके पेमेंट वाले पेज पर। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे जो आपको क्यूआर कोड खुल के आ जाएगा, नहीं तो आप जो है गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करेगा तो आप यूपीआई आप जो अपना यूपीआई डालकर नहीं तो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से किसी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि हम सिंपल ऐसा है स्कैन करके यहाँ मैं अपना पेमेंट को जो है कटवा दे रहा हूँ, उसके बाद जो आपको आगे प्रोसेस बता रहा हूँ। तो दिन के हिसाब से हम देख सकते हैं हमने जो है पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे डन कर दिया है। पेमेंट करने के बाद सिंपली आपको जो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा, तो यहाँ पे बोलेगा वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम पेटीएम, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। और हमने जो यहाँ पे पेमेंट कर दिया, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है। सिंपली उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन पर क्लिक कर देना, जैसे आप पेमेंट कटवा दीजिएगा उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद गाइस जो है यहाँ पे जो है आप जो है सिंपली आपको जो यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेगा तो गाइस यहाँ पे जो आप रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पेज पर। अब यहाँ पे गाइस आपको जो है यहाँ पे एक टिक बॉक्स मिलेगा, इस पर टिक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पे सीधे आपको ये ऑथराइज के यहाँ पे एक आपको एक ऑप्शन आ जाएगा ये वाला ऑथराइज का, तो सिंपली आपको ऑथराइज वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही ऑथराइज वाले बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कंटिन्यू विथ ई केवाईसी, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है कंटिन्यू विथ ई केवाईसी वाले बटन पर। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है आपके आधार पर जो है ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी गाइस यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। जैसे कि हम यहाँ पे अपना ओटीपी डाल लेते हैं उसके बाद जो आगे प्रोसेस बताते हैं। तो देन गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे अपना ओटीपी जो है सक्सेसफुली फिलअप कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे जो है कंटिन्यू विथ ई साइन बोलेगा, तो यहाँ पे जो है एक बार फिर से आपको जो लग रहा है कि हमको आधार नंबर डालकर जो है यहाँ पे जो आपको आपको एक ओटीपी और लगेगा। गाइस सिंपली आपको जो है यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना, उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे जो है आपको जो है एक फिर से ओटीपी आकर उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डाले तो उसके बाद जो आपके आगे प्रोसेस बताते हैं। तो देन गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे जो अपना आधार नंबर डाल लिया है, आधार नंबर डालने के बाद सिंपली जो है आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो है आधार कार्ड पर एक और ओटीपी जाएगा, आधार कार्ड के साथ जो नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक और ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे आपको सक्सेसफुली यहाँ पे फिलअप कर देना, जैसे कि हम यहाँ पे अपना ओटीपी डाल लेते उसके बाद जो है आगे प्रोसेस बताते हैं। तो देन गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे अपना ओटीपी डाले, ओटीपी डालने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई वाले ओटीपी वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो गाइस यहाँ पे जो है आपका जो है पिन हो जाएगा सक्सेसफुली अप्लाई, जैसे कि हम यहाँ पे अभी लोडिंग ले रहा है। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं आगे प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पेन कार्ड जो देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया अप्लाई, यहाँ पे जो है आ गया आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन। यहाँ पे जो आपको सिंपली ये डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है पीडीएफ डाउनलोड हो गया, और यहाँ पे जो है पीडीएफ थोड़ा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे जो है पीडीएफ जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पीडीएफ को ओपन करने के लिए सिंपली जो है आपको जो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना होगा, जैसा डेट ऑफ बर्थ आपका होगा जैसे 1/1/2002 होगा तो सिंपली आप जो 1/1/2002 यहाँ पे डाल देना होगा। तो जैसे ही गाइस 1/1/2000 आप जो अपने अनुसार से यहाँ पर डाल लें,
जैसे कि हम यहाँ पर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, उसके बाद जो है गाइस आपको जो है इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो है तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है हमारा जो है पैन कार्ड अप्लाई हो गया है यहाँ पर सक्सेसफुली, और जो भी यहाँ पर डिटेल आपने फिलअप किया होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा पैन कार्ड हो गया सक्सेसफुली अप्लाई, और देन गाइस आप जो है इस तरह से जो है एनएस डील ऑफिसर साइट से जो है पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।